अंधड़ ने सिटी के कई इलाकों में पेड़ों को धराशायी कर दिया। रात आए तेज तूफान ने तांडव करते हुए कई पेड़ों बिजली के तारों को झकझोर कर रख दिया। इसी क्रम में कस्तूरचंद पार्क स्थित कस्तूरचंद डागा प्रतिमा के पीछे खड़ा काफी पुराना नीम का पेड़ डागा की प्रतिमा पर गिरने से कस्तूरचंद डागा की प्रतिमा के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। नागपुर में अपना काफी योगदान देने वाले ऐसे महापुरुषों का पुतला जल्द से जल्द अच्छे दांतों में बनाने की मांग शहरवासी कर रहे हैं। नागपुर के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक के सबसे बड़े डोनर, सबसे बड़े दानी जो हुए हैं और नागपुर शहर के बसने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी नागपुर में कामठी में पुलिस स्टेशन, नागपुर में हॉस्पिटल, इतनी बड़ी जमीन, कॉलेज, यानी हर प्रकार से नागपुर में उन्होंने दान किया। और ये स्टैच्यू उनके इस दानवीरता के को देखते हुए उनके बहुत करीबी मित्र मानिक जी दादा भाई ने बनवाया और ये मात्रे करके आर्किटेक्ट ने बनाया। और इसकी अनवीलिंग हुई 1924 में, जब उस वक्त की महामारी थी। आयरॉनिकली आज भी एक महामारी है कोरोना के नाम, कोरोना की। और ये कल रात को तूफान में ये नीम का पेड़ गिर गया इसके ऊपर और अनफॉर्चुनेटली उस पेड़ गिरने से ये स्टैच्यू टूट गया और गिर गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हम आए और हमारा ये कंसर्न था कि भाई ये स्टैच्यू रेस्टोर होना चाहिए, कि नागपुर का लैंडमार्क है। आई थिंक जैसे किसी शहर का कोई एक विशेष लैंडमार्क होता है ना, जैसे पेरिस आप बोलेंगे तो आपको आईफिल टावर सबसे पहले याद आएगा, या आप USA बोलेंगे तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। तो मेरे ख्याल से नागपुर बोलने से सबसे पहले कस्तूरचंद पार्क और ये स्टैच्यू ध्यान में आता है। सो इट्स एन आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ नागपुर एंड इट मस्ट बी रेस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी। अब जब भी सरकार उसको रेस्टोर करेगी तो रेस्टोर हो पाए, इस विचार से मैंने अभिनव ने और मैंने सारे पीसेस कलेक्ट किए। हमने हेरिटेज कमेटी को इन्फॉर्म किया सो दैट दे शुड टेक एडिक्वेट केयर इन हाउ इट इज़ पिक्ड अप, हाउ इट इज़ स्टोर्ड, सो दैट एट अ फ्यूचर डेट द रेस्टोरेशन इज पॉसिबल। अभी अगर वो टुकड़े टूट जाएंगे और फिर रेस्टोरेशन करेगी भी सरकार, करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। रविवार की शाम आए तेज तूफान ने शहर को पूरा झकझोर के रख दिया। इसी श्रृंखला में नागपुर में आंधी तूफान के आगे सभी पेड़ जमीन दोज होते हुए नजर आए, तो वहीं नागपुर के कस्तूरचंद पार्क स्थित कस्तूरचंद डागा के प्रतिमा पर नीम का पेड़ गिरने से पूरी तरह से प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इन बी सी न्यूज नागपुर।